तो खुशी की बात बताना चाहूंगा, जब से दीपक बावरिया जी हमारे हरियाणा के प्रभारी बने हैं और कांग्रेस अध्यक्ष उदयवान जी बने, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की आंधी है। 50 से 55 पूर्व एमएलए वे मंत्री वे विधायक और कितने ही हजारों पार्षद सरपंच और जिला परिषद के मेंबर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लोकसभा की सीट हम प्रभारी जी की रहनुमाई में जीते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष उदयवान जी की रहनुमाई में जीते हैं। कांग्रेस के अंदर आंधी है, 65 से 70 कांग्रेस की सीट आने जा रही है और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। साहब एक सवाल, लास्ट सवाल, हाँ जी लास्ट सवाल, आपके क्षेत्र में कितनी कॉलोनियां हैं, कितनी छुट्टी बस्तियां हैं और क्या क्या नाम है? ये जो मेरे क्षेत्र में 15 कॉलोनियां हैं और हमने प्रभारी जी से मांग करी है। नाम बताएं फटाफट, नाम बताओ। संत नगर, रामनगर, मिलाड कॉलोनी, प्रेम नगर, इंदिरा नगर, पटेल नगर, प्रेम नगर, आपको बता दूं भारत कॉलोनी, इंदिरा कॉम्प्लेक्स, पदम नगर, मिलाड कॉलोनी, सारी कॉलोनी मेरे में है। खड्डा कॉलोनी, न्यू भारत कॉलोनी, हनुमान नगर, सारी कॉलोनी। तंत्र की कमाल है, इनके व्यापारी संगठनों का नाम नहीं बोल पाएंगे मगर कॉलोनी का नाम बोल पाते। अच्छा, सारी कॉलोनियों के अंदर हमने प्रभारी जी से मांग करी है कि इन कॉलोनियों को नियमित पक्का किया जाए, यहाँ पर सीवर लाइन, पानी की व्यवस्था की जाए, लाइट की व्यवस्था की जाए, सड़कें बनाई जाए, यहाँ पे जो है कि 100-100 गज के गरीबों को मकान बनाकर दिए जाए, प्लॉट के अंदर दिए जाए, इनके बीपीएल कार्ड बनाए जाए, हमने ये इनसे डिमांड रखी है।